आप हमारे से? हेलो, आवाज मिल पा रही है? हेलो, आवाज सुन रहे हैं श्रीमान आप हमारी? हाँ जी, आवाज आ रही है जी, बताइए क्या समस्या है। हेलो श्रीमान, अगर आवाज नहीं मिल पा रही है तो आपसे निवेदन है पुनः से कॉल कर सकते हैं। अब आ रही, अब आ रही सर, आपको हमारी आवाज प्राप्त हो रही है? हाँ हाँ, आ रही आ रही। क्या समस्या है बताएं श्रीमान, क्या समस्या है? यहाँ मऊरा देने बोल रहे हैं ना जी, बताइए। लाइट वाली बोल रहे हो? श्रीमान आपकी कॉल अभी जो कनेक्ट हुई है मध्यांचल के अंतर्गत हुई है, बिजली से संबंधित अगर कोई समस्या है तो बताएं। यू बिजली वाले ने खोए नंबर ना जी? अरे तो यू लाइट ना आ रही यहाँ सवेरे देने। आपको यह सुविधा के लिए क्षमा चाहेंगे, निश्चिंत रहिए, बेहतर सहायता की जाएगी। श्रीमान ये जान सकते हैं समस्या किस जिले से संबंधित है? जिला जान सकते हो? जिला हमारा जिला है सीतापुर। समस्या आपकी व्यक्तिगत है या पूरे क्षेत्र की है? हिंदी बताओ हम बहन जी, अंग्रेजी जाने तो नहीं। श्रीमान ये जानना चाह रहे हैं समस्या जो आपको हो रही है वो केवल आपको हो रही है या आसपास और लोगों को, या सगरे गांव में है या दिक्कत है कोई भी आना आ रही? पावर हाउस बता दीजिए अपने बिजली घर का नाम। तू जहाँ बड़े बड़े मोटर धरे वो है जहाँ से मैं आपको सप्लाई देती है? वो तहसीली है, वो लाहरपुर में है, तहसीली के सामने लाहरपुर। लाहरपुर हाँ, वह महिया वह करे समय एकदम धरे बड़े बड़े मोटर वह हुए इतने ब्याज जा जाते। कितने घंटे से सप्लाई नहीं आ रही है? सवेरे ना है बहन जी। ये आपका ग्रामीण क्षेत्र लग जाता है या शहरी क्षेत्र लग जाता है? हाँ हम गाँव में तो बोल रहे हैं। ठीक है, लाइन पर रहिएगा श्रीमान, इस संबंध में हमारे द्वारा आपकी कंप्लेंट दर्ज की जा रही है। हाँ ठीक है, कि सुबह से आपके एरिया में सप्लाई नहीं आ रही है। बहन जी बहन जी, इतनी जल्दी लगा दो, मरीज ज्यादा गाफिल है। लाइन करिएगा। हाँ मरीज है ज्यादा गाफिल तो तनी ब्याना आना हकैत पर नुमा तो दिक्कत हो जाती। क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकती हूँ? हमारा नाम है रानू पांडे जी। आपका मैं पूरा एड्रेस जान सकती हूँ, गाँव का नाम बता? हाँ हाँ, यहाँ मऊरा पढ़ दे हम बोल रहे हैं। पोस्ट बताएं? वो जहाँ चिट्ठी भेजी जाते। मैं आपका पूरा एड्रेस? हाँ हाँ, वहाँ वो है कलुआपुर, कलुआपुर कला बहादुरपुर जी का बल। तहसील बता दीजिए। वो है लाहरपुर है हमारे तहसीली, मैं कहियो जिन्हें जानने वाले हैं हमारे। तो पूरा नंबर यही रखना चाहेंगे कंप्लेन के लिए? यू तो हमारा नंबर है। ना अरे शिकायत विकायत कोई ना, फायदा का नौकरी में चली जाए, मतलब बता दो उनका कि लाइट वाइट जोड़ दें। श्रीमान जैसे कि हम आपको बताना चाहेंगे संबंध में आपकी शिकायत दर्ज की जा रही है, समस्या का समाधान जल्द से जल्द होता है। यूं हम कहे शिकायत विकायत ना कोई करो, कहूँ फायदा का कोई नौकरी चली जाए, मतलब उनका समझा दो। श्रीमान आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे अगर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं तो उससे समस्या का समाधान हो जाएगा, अगर नहीं करना चाह रहे तो आप वेट कर लीजिए। अरे मतलब कोई डांटा डूटा ना जाए हुआ, डांट फटकारना उनका पर है, समझाए दो अपने तरीके। ये आपका लग जाएगा ना आपका? हाँ मान लो शिकायत कर दिया तो नौकरी वोकरी चली जाए, सरकार वैसे अटपट है इस समय। लाइन पे रहिएगा। लहरपुर पावर हाउस जो आप बता रहे हैं ठीक है, यहाँ पे फीडर ब्रेक डाउन होने की वजह से सप्लाई बाधित है। मतलब हिंदी बताओ बहन जी हम। आप वहाँ का जो फीडर होता है, ट्रांसफार्मर होता है। अच्छा, जो फीडर मोटर होता है, मोटर मोटर जो अंदर है। अच्छा, आपूर्ति बाधित है, अभी सप्लाई नहीं आ रही है। सप्लाई आने का जो समय बताया गया है वो शाम के 4 बजे बताया गया, लेकिन अभी 4:30 से ज्यादा हो रहा है। आपका निवेदन है आप वेट कर लीजिए, अगर आप शिकायत सुनो। उमा है एक हमारे व्यवहारी, बहुत व्यवहारी है, हमारे संग पड़ चुका है, तो वो वह रस्ते मिला रहा है बाजार के रहन, तो वो बताई रहे 4 बजे आई जाए, लेकिन तो हूँ का नंबर बता रहा, कुछ बता रहा हूँ। शिकायत नहीं दर्ज कराना चाह रहे ना श्रीमान? ना मतलब समझाए दो उनका, डांट हल्का फुल्का डांट दे हो बस। उनसे कह दो लाइट जोड़ दे, मरीज गाफिल है ज्यादा। श्रीमान अगर आप शिकायत दर्ज नहीं कराना चाह रहे तो आपसे निवेदन है आप वेट कर लें ठीक है? मतलब अच्छा सुनो, नहीं नहीं शिकायत तो नहीं, मतलब ऐसी शिकायत लिखो कि नौकरी कोई ना जाए, मान लो सब आपसे कदमी है। दर्ज कराना चाहेंगे श्रीमान या नहीं कराना चाहेंगे ये बता दीजिए? अपने हिसाब से देख लो आप, अब हम का बताइए आपको बताना चाहेंगे इस संबंध में?
इसमें हमारे द्वारा आपकी शिकायत दर्ज कर दी गई है। आपकी कंप्लेन संख्या जो होगी वो होगी MV 2709193353, जो कि इस कॉल की समाप्ति के बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आपको मैसेज नंबर है ना, यू हमारा नंबर ही नहीं है, आपको बता रहे हैं। मतलब हिंदी में बताओ सर, आपको हिंदी में ही हम बता रहे हैं। हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं, जो हमने आपकी शिकायत यहाँ पे दर्ज की है, जो आपको समस्या हो रही है कि सप्लाई नहीं आ रही है, हाँ। तो आपके नंबर पे ही हमने कंप्लेन दर्ज की है, तो ये कंप्लेन नंबर है आपकी, ठीक है। यू नंबर हमारा नहीं है, हमारा नंबर 633 चालू हो तो तुम्हारे फिर पहुँचगा हुई है। श्रीमान आपसे ये कहना चाहेंगे, ये आपका नंबर नहीं है, ये जो आपकी शिकायत संख्या है ये, ठीक है। अच्छा अच्छा, आप जान पाए, मतलब जौन हम तुमका बताए हन तो तुम हुआ की लिखा पढ़ी जौन करे हो, कंप्यूटर में अपने ढीले हो, वो हुआ बता दी जाए कि ये करे ना है, कौन है ना जी श्रीमान, ठीक है, आप निश्चिंत रहें, समस्या का समाधान हमारी बात नहीं गई। वो जो हमारे व्यवहारी था उससे कराए देते, दो जने बात कुछ कराए देते, हमारे इतने गांव का लुंडे हैं तो कहीं हम तो दुखान लो। श्रीमान इसकी जानकारी हम नहीं दे सकते, ठीक है, इसकी अनुमति नहीं है। अरे तो उनसे बात कराए देते, मान लो रहा हमारे जनहे वाले, माफी चाहेंगे श्रीमान, ठीक है, आप निश्चिंत रहें, समस्या का समाधान जल्द। हाली तरी मतलब देख लो अपने हिसाब से, हाली का तो जोड़ दे, मरीज गाफिल ज्यादा है, श्रीमान आपको एक चीज बताना चाहेंगे, ये हमारे हाथ में नहीं होता है, यहाँ से शिकायत दर्ज की गई है तो यू कहाँ लग गया, समस्या का समाधान होने में 24 घंटे का समय लगता है, ठीक है। अरे तले तो मैडम जी, 24 घंटा तले तो यहाँ सब बड़ी बताई जाये, पीरियड यही रहता है कंप्लेन दर्ज कराने का, ठीक है, ध्यानचंद में कॉल करने के लिए धन्यवाद। हाली देखो फिर उसका देख लो, तरी चली जाओ देख लो, कहीं जल्दी जोड़ दे, निश्चिंत रहे, बेहतर सहायता की जाएगी, ठीक है, मध्यांचल में कॉल करने के लिए धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते, हेलो हेलो।